स्लिप करा जी, पूरा बाइक मेरा ये गया, ओ गिर गया जी, बाइक बंद भी हो गया, पेट्रोल गिर रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज के दिन मैं जा रहा हूँ ये पहाड़ों के ऊपर फिर से, लेकिन इस दफ़ा जो जा रहा हूँ मैं वहाँ पे टेम्परेचर -10 है इस टाइम के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर जो टेम्परेचर है वो 2 है, तकरीबन 7:30 का टाइम हो रहा है। मेरे साथ एक और भाई ने ज्वाइन करना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ज्वाइन कर सके, उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैंने इस जर्नी को स्टार्ट करूँ जी सोलो ही, और काफ़ी मज़ा आने वाला जी, काफ़ी एडवेंचरस मेरी होने वाली है जर्नी, आप रस्ते में अपडेट करेंगे। आज के दिन दिखाता हूँ मैंने बाइक के ऊपर क्या सेटिंग की है। मैंने इस पर लगा लिए जी 2 सैडल बैग, और मैंने टैंक बैग नहीं रखा, मैंने इन्हीं के अंदर अपना सामान सारा एडजस्ट कर लिया। ये है जी दोनों सैडल बैग, ज़्यादा कुछ है नहीं है सामान इसमें, जस्ट मैंने बैलेंस करने के लिए दोनों बैग लगाए हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर खैरियत से हमें लेके जा और वापस भी लेके आ। जर्नी जो मेरी है वो स्टार्ट हो चुकी है इस ब्यूटीफुल सनराइज़ के साथ। इस टाइम तकरीबन 8 बजे का टाइम हो रहा है, तो ज़्यादा तो नहीं मैंने कवर किया डिस्टेंस, तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे राइड करते हुए। मैं निकला था जी सवां से, वहाँ से नेवल एंकरेज से मैं इंटर हूँ, और गुलबर्ग को क्रॉस करता हुआ अभी मैं जा रहा हूँ जी। आप जी गैस करें मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, और आपको जो नेक्स्ट कोई मेन अट्रैक्शन आएगी ना वहाँ पे ज़रा बताएंगे, अपडेट देंगे कितना मेरा डिस्टेंस बाकी है। और मेरा प्लान तो यही है कि मैं 1 बजे पहुँच जाऊँ। लें जी कोटली सत्या स्टार्ट हो गया, और अब हमारा जो डिस्टेंस है 4 घंटे 17 मिनट एंड 134 किलोमीटर। चेक करें जी व्यू मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर, बहुत ही गहरा है जी ये वाला पहाड़, हाइट भी चेक करें। बाग शहर आ गया जी, बाग शहर के मेन मैं बीच में से गुजर रहे हैं बाज़ार में से, काफ़ी बड़ा लग रहा है, खूबसूरत है बाज़ार भी। MTBC यहाँ भी है जी, MTBC और पेट्रोल पंप भी हैं, सारा कुछ ही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाग पहुँच के आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कोशिश करते हैं कहीं पे रुक के ना आपसे बात की जाए। अभी जी मैंने किया है बाग को क्रॉस, अभी मैं खड़ा हूँ जी सुदन गली रोड के ऊपर ही, मैंने एक ब्रिज के ऊपर, मैंने कहा यहाँ से आपको अपडेट दें, मैं तकरीबन 4 घंटों की राइड कर चुका हूँ इस्लामाबाद से, और आगे सिर्फ मेरा 1 घंटा बाकी है। तो मैं जा रहा हूँ जी गंगा चोटी, और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, लोग बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा ऊपर ठंड होगी, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं अभी, और सोलो ही हैं, देखते हैं ऊपर चल के फिर क्या सीन है, बर्फ़ारी अभी हो रही है या हो चुकी है। और काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर, और वेदर काफ़ी कमाल है, धूप हो रही है इस टाइम पर। तो मुझे 1 घंटा तकरीबन यहाँ से बाकी है, टोटल 25 किलोमीटर है, और होपफुली मैं 1 बजे पहुँच जाऊँगा, और वहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर देखते हैं नाइट गुजारनी है या वापस आना है। चलें फिर राइड स्टार्ट करते हैं फिर से। अभी जी मैं पहुँच गया हूँ सुदन गली मुकाम के ऊपर, यहाँ से टोटल डिस्टेंस है जी 5.3 किलोमीटर, और डिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ 5, और टाइम जो लगना है जी इसमें 15 मिनट आ रहे हैं। बाइक मेरा हमेशा की तरह जब भी हाइट के ऊपर आता है ये मसला करता है। राइड स्टार्ट ही की थी और बीच में जो है ना मेरा बाइक मिसिंग करना स्टार्ट हो गया, तो लास्ट में मैकेनिक ने बताया था कि जी अगर मिसिंग करे तो इसका एयर फिल्टर निकालें, एयर फिल्टर में एक होता है फोम आता है एयर के लिए तो डस्ट को अब्जॉर्व करता है, वो मैं निकाल देता हूँ फिर चलते हैं आगे। माशाल्लाह चेक करें जी रोड के नज़ारे, इस तरफ क्या खूबसूरती है खुदा की, सही सन निकला वो, आज मौसम काफ़ी अच्छा मिला मुझे। अभी इसको खोलते हैं जी और फिर कोशिश करते हैं जी
जो मैकेनिक ने बताया था वही काम करें, इसका फोम निकालते हैं उसके बाद ट्राई करते हैं, अगर तो फिर भी मिसिंग करे तो ये इसका प्रॉब्लम नहीं था। फिर एयर फिल्टर जी मैंने खोल लिया और इसमें से ये है जी फोम जो कह रहे थे कि निकाल दें, अभी इसके बाद मैं ट्राई करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर, तो उम्मीद की जाती है कि अभी ये मिसिंग नहीं करेगा, अगर तो फिर भी मिसिंग करता है तो क्योंकि प्रॉब्लम है इसका। भाई इधर चेक करो, माशाल्लाह क्या बात है यार, आला बिस्मिल्लाह या अल्लाह हमें एरिया से लेके जा। बर्फ के ऊपर टायर आया तो बंदा गया, क्या बेहतरीन यार एक्सपीरियंस है राइड का। ये जो मैंने निकाला है एयर फिल्टर से फोम, उसका से फ़र्क नहीं पड़ा जी, बिल्कुल बैठा हुआ बाइक मेरा, चेक किया जाए। ज़रा रोक के निकलते हैं फिर आगे। नहीं जी फुल फिर से बर्फ आई है, अल्लाह का नाम लेके जाने देते हैं। स्लो स्लो बिस्मिल्लाह, स्लिप करा जी पूरा बाइक मेरा, ये क्या ओह गिर गया जी बाइक, बंद भी हो गया, पेट्रोल गिर रहा है, इसको उठाया जाए टाइम पे, यहीं से बैक साइड से उठाना पड़ेगा। ओह उधर से पहले स्टैंड लगा दूं, सिंगल स्टैंड लगाते हैं फिर उठाते हैं। भाई या अल्लाह मदद, देखते हैं नहीं कहां तक जा सकते हैं आगे, वरना यहीं से वापस होते हैं। फिर गंगा चोटी का जो एडवेंचर है वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छा जी दो दफ़ा मैं गिर चुका हूँ इसी बर्फ के ऊपर, एक दफ़ा और मैं ट्राई करने लगूँ, कोशिश करते हूँ ऊपर जाने की। उतर के जा रहा है लेकिन ये सलूशन नहीं है भाई, वापस भी जाना है। बाइक हटा दीजिए, स्लिप कर रहा है, इसको ऊपर खड़ा करते हैं जी, यहीं पे यहीं से वापस जाएंगे। ये स्लिप कर रहा पीछे गया, फुल ब्रेक रखी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी पीछे जा रहा है। ये देखें सैडल बैग मोटी मोटी हो चुका है। बीइंग अ सोलो राइडर जी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ऊपर जाना, और अगर दो बाइकर हों तो ये है कि एक बंदा पुल करके उसको लेके जा सकता है, तो यहीं पे करते हैं जी एंजॉय थोड़ी देर हम स्नो को, और उसके बाद वापस निकलते हैं। समान जी मैंने ज़रूरत वाला सारा बैग से निकाल लिया, तो यहाँ पे अभी ऊपर जाने वाला बिल्कुल कोई सीन नहीं है भाई, दो बंदे हों तो पॉसिबल था, यहीं पे थोड़ी देर बैठते हैं एंजॉय करते हैं। फिर बनाते हैं जी अपनी कॉफ़ी, इसको लगाते हैं यहाँ पे हमारे स्टोव को, यहाँ से लगाते हैं गैस को। शुक्र है जी आग लग गई है मेरी। काफी ट्राइयों के बाद ही जाके लगी है, पानी गर्म हो जाए फिर डालते हैं इसमें कॉफी। काफी गर्म हो गया जी पानी, ज्यादा ही गर्म हो गया, इसमें डालते हैं। ये आ गई हमारी कॉफी, अभी तो गर्म है जी, बेहतर है, नॉट बैड। Thank you.
काफ़ी तो मैंने यहाँ पे इंजॉय कर दिए, काफ़ी मज़ा आया है। भूख भी लगी थी और गर्म गर्म काफ़ी पी है मैंने यहाँ पे, और अभी काफ़ी बॉडी टेम्परेचर बेहतर हो गया मेरा। अभी बाइक के काफ़ी सामान है, वरना मैं इस तरह करता कि इसको नीचे खड़ा करके मैं हाइकिंग के लिए चला जाता, वो एक ऑप्शन था। तकरीबन 11 से 45 मिनट लगते हैं ऊपर जाने के, तो वो ऑप्शन तो मैं अवेल नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो सोलो हूँ, तो बाइक को कहाँ पे खड़ा करके जाऊँ। अभी नीचे भी अगर जाऊँगा तो 15-20 मिनट वो ज़ाया होंगे, और फिर ऊपर आते आते मुझे घंटा और लगेगा। ऑलरेडी तकरीबन 2:15 हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं अभी ऊपर नहीं जाता। इंशाल्लाह फिर किसी टाइम आऊँगा तो ऊपर चले जाएँगे। अभी बस यहीं पर बैठ के इंजॉय करते हैं व्यूज़। अच्छा सामान मैंने बाहर ही रख दिया, ज़रा सामने नीचे जाके आप कुछ नहीं दिखाते हैं। ओ गिरने लगा था। आला क्या ही खूबसूरत मनाजर है, बेहतरीन। यहाँ पर बैठने की जगह बनाते हैं। अच्छा जी, अभी एक गाड़ी की आवाज़ आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। आप आएँ तो नीचे से गाड़ी के ऊपर भी जा सकते हैं, अगर सोलो हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप गाड़ी के ऊपर ही जाएं। तो रह गई, आ जा भाई। वेदर नहायत ही कमाल है, ज़्यादा ठंड नहीं है जी। मुझे यहाँ पे पता नहीं टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट नहीं आ रहा तो आपको नहीं बता सकते कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या। हार्डली हुआ भी तो 10 होगा, 8 से 10 होगा, इससे ज़्यादा नहीं है जी। काफ़ी बेहतरीन है, अभी तो आइडियल है। इसके बाद आएगा बिल्कुल, ये रोड्स बंद हो जाएंगी जब सही ना फरवरी के अंदर ये पड़ेगी और बर्फ। ऊपर चला जाएगा ये बाइक टॉप पे। अच्छा वाह जी वाह, बेहतरीन है। अच्छा जी, यहाँ पे बड़े प्यारे भैया आए थे, मैंने इनका पिक्चर्स बना दें, वरना तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। भाई का नाम क्या है? मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई बहुत शुक्रिया, मीरपुर से आए यहाँ पे। सही है, आपसे मिलकर भी खुशी हुई है जी। जी बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीर बनाई, जो मैंने आपकी पिक्चर बनाई है, इंशाल्लाह भेज दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएंगे, और मेरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, अभी 3 का टाइम हो चुका है, तो मैं तैयारी करता हूँ वापसी की। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, इवन दो मैं यहाँ पे ऊपर तक नहीं जा सका, मिशन मेरा फेल ही समझे क्योंकि मैं सोलो था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक, को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। तो आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।